औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए राजस्थान से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। राजस्थान के चुनावी बूल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहां पर अपने 30 से 40 उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। जी हां, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दो दिवसीय दौरे के ऊपर राजस्थान आ रहे हैं। अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी का पैगाम देंगे। जी हां, अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, जिसके तहत वो दो दिवसीय दौरे के ऊपर अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब राजस्थान आ रहे हैं। और राजस्थान के चुनावी बबूल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले इस पब्लिक मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए वहां पर अभी से ही मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के वेलकम के लिए लगातार वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और मजलिस का पैगाम डोर टू डोर जाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से डोर टू डोर कैंपेनिंग का आगाज अभी से ही वहां पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से राजस्थान में यहां पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी को मिलेगी और वहां पर मुस्लिम दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर मिलकर वहां पर काम करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के आने से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के आने से यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप सब मिलकर मजलिस का साथ दें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दो दिवसीय दौरे को यहाँ पर कामयाब बनाए, क्योंकि आने वाले चुनावी भूगोल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवारों को यहां पर कामयाबी के साथ अपने इस्तेमाल मजलिस के हक में कर ऐसे ही मजलिस को कामयाब बनाए। और मजलिस से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरों को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब